डॉक्टर केशव चरण महांती पशुपति ग्रुप रे वेटनरी डॉक्टर भाव में कार्य संपादन कर आसुअ। आज विषय वस्तु भल दुधिया गाई किपर चयन करवा। साधारणत लोक मैंने दुग्ध व्यवसाय करने कि घर दुग्ध एवं दुग्धजात द्रव्यर चाहिदा मेटापी गाई किनी था। अनेक समय देखा जाए कि गाई कि सारापर लोक ठकामी पड़ती गाईटी भल क्षीर दिए गाईटी खुरुड़ा होता है मारणा होता है। तेणु एठार गाई कि पूर्व भल गाई चयन करने किपर भल गाई चयन करवा से प्रति विभिन्न विधि और लक्षण प्रति दृष्टि देवा आवश्यक। साधारणत दुईट विधि व लक्षण उपरे गाईर भल गाई चयन करा जाए था। गाईर वंशवली जातक बा पूर्व पीढ़ीर दुग्ध देवार हिसाब जहाँ को इंग्राजी में कहती पेडिग्री सिलेक्शन। द्वितीय गाईर बाह्य लक्षण रु आम भल गाई चयन कर पारिबा। साधारणत गाईर माँ एवं बापार गुणा क्षीर गुणात्मक मान कौन थिला गाई केते क्षीर देउथिला एवं तार रासायनिक दुग्धर रासायनिक विशेषण कौन थिला सेथिरु आमे गाईर चयन करि पारिबा। किंतु या संभव नुहे सबु क्षेत्र में गाईर पूर्व पीढ़ीर जातक बा पेडिग्री रेकर्ड मिल पारे ना केवल सरकारी फार्म मानक बड़ बड़ फार्म मानक मिली थाए व्यक्तिगत गाई जे बिकु थाए ताखे कौन सी रेकर्ड न थाए से आम गाईर बाह्य लक्षण देखी गाई चयन करवा आवश्यक होता है। गाईर बाह्य लक्षण प्रथम गाईर राइट एस्टिमेशन करवा किसी दूर से रही गाई को दृष्टिपात करवा लक्ष्य रखा गाईटी भल गाई कि खराब गाई। यदि गाईर प्रथमतः गाईर शरीर अत्यधिक मोटा हो न कि अत्यधिक पतला हो न किंतु गाई तेजियान थी सुस्थ सबल थी गाईर चमड़ा बा पतला पतला थी एवं गाईर रूम गुड़िक टाँसिया हो न सरु रूम लुमिया गाई थी से प्रकार गाई अधिक क्षीर दिं गाई को मुह ठारू पछ लांज पर्यंत गाई को आई एस्टिमेशन रे लक्ष्य रखा उचित। प्रथम मुहर देखा गाईर थोमणी जो कला अंश थाए जहाँ को इंग्राजी में मजल कहती से मजल सब बड़े झाड़ुआ बा ओदाड़िया हो तार आखि गुड़िक सुरल हो आखिर कौन सी लेंजरा भोग न कि लुह भोग न सिंह गुड़िक छोट छोट थी एवं गाईर मेरुदंड को लक्ष्य कले तार हाँकुड़ पाखु कुमुद बुद पाखर लांज पर्यंत सीधा सड़क थी बंका कि टोला न मेरुदंड जोटा कि आम कौ पलमपेटिया गाई पलमपेटिया गाई दुग्ध देवाई भल गाई नुहे सी तार तार शरीर दुग्ध देवा क्षमता ह्रास पाई थाए। गाईर पन्ना सबुठारु इम्पोर्टाट क्षीर दुधिया गाई चयन कर गाईर पन्नाटी कोमल होड़ हो गाईर चेर गुड़िक समान दूरत्वर रही थे समान लंबा हो गाईर चेर गुड़िक अति बड़ हो कि अति छोट हो न एवं सबुठारु इम्पोर्टाट हो गाईर पन्नार सम्मुखे दुईटी दुग्ध शिरा जाए जहाँ को इंग्लीश कहते मिल्क भेन मिल्क भेन मोटा होती कुंचकुंचिया लंब हो गाई अधिक दुधिया था एवं अधिक क्षीर दे था। आ गोटे गाईर भल लक्षण हूँ गाईर पश्चात भाग रु आग भाग आड़ को अन गाई गोटे त्रिभुज आकार देखा
ट्रायंगुलर शेप देखा जीव से गाईटी अति उत्तम गाई एवं ये सब देखला परे गाईर व्यवहार देखा जीव गाईर गोटे स्त्री सुलभ गुण थी गाईर मुह कि बलद मुह कि षंड मुहाँ हो न गाई हुरुड़ा हो न कि नातुआ हो न गाई स्नेह थी गाई तार मालिक को चाटू थी कि मुंड दे शा भाया टे रही गाई अति भल गाई एवं तार क्षीर देवा क्षमता अधिक थाए गाई ये सब देखा पर गाईर इंडिविजुआल आसेसमेंट कर गाईर निजस्व क्षीर उत्पादन शक्ति के जाना निहाती आवश्यक गाई जे किणुची यहाँ निहाती जाना आवश्यक गाईर क्षीर को तीन चार दिन लगातार दुईब एवं तार हाराहारी हिसाब नेब एवं केते क्षीर देउची से हाराहारी हिसाब रु तार प्रत्येक दिन केते क्षीर देव से जना पड़ो ये सब देखला परे गाईर सुस्थता प्रति लक्ष्य रखा उचित गाई कौन सी रोग हो न कि गाईर गंठी फुली नोड़ गंठी फुली नाई देह टिंक उंकुणी पड़ चर्म रोग हो न सबू देख गाई चयन करवा उचित। सर्वशेष वर्तमान जो क्षीर कंपानी मैंने अच्छा से मैंने गाईर क्षीरर मान नियंत्रण कर क्षीरर मूल्य दौरान अर्थात गाईर क्षीर क्षीर से घी अंश के सलीड अंश के पानी के अनुसार गाईर क्षीरर दुग्धर मान नियंत्रण कर मूल्य दि जाऊँगी तेणु या लाबोरेटरी नहीं क्षीर को परीक्षा कर यार क्षीर अंश फैट परसेंट केते अच्छी SNF केते अच्छी जानवा आवश्यक होता है तेणु यही सब दृष्टि प्रति यही सब लक्षण प्रति एवं विधि प्रति गाई किणवा पूर्व लक्ष्य रखिले आम भल गाई टे आनी पारिबा।